नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष रामधारी यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय समता भवन पर बुधवार को शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर केपी यादव, जो 1990 में मुलायम सिंह के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रहे, ओम प्रकाश श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष रामधारी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन दोनों लोगों के निधन से समाजवादी पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि केपी यादव और ओम प्रकाश श्रीवास्तव दोनों लोग मुलायम सिंह के चहेते थे। ओम प्रकाश सन 74 में जौनपुर की सदर विधानसभा में विधायक रहे और 1988 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। वह सपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे। वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के अत्यंत निकटतम वैचारिक सहयोगी रहे। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस शोक सभा में मुख्य रूप से राम वृक्ष यादव, राजेश कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, कन्हैया यादव, गोपाल यादव, कमल यादव, रामाशीष यादव, राम नगीना यादव एवं सुजीत कुमार आदि उपस्थित थे। पीपीए 24 टीवी न्यूज़ से गाजीपुर संवाददाता राहुल पटेल की ये खास रिपोर्ट।